Hello students, welcome to Study Quota. Today's topic is limiting reagent. और आपको इस टॉपिक के बारे में, ये हमारा स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का पार्ट टू है. पार्ट वन आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कैसे हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं. आज हमारा टॉपिक है, ये स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पार्ट टू है. इट इज द केस इफ टू रिएक्टेंट्स विच आर रिएक्टिंग टूगेदर, सपोज ए एंड बी, वन ऑफ देम इज लिमिटिंग रिएजेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट होते क्या है. वॉट इज लिमिटिंग रिएजेंट? द कोफिशियंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इंडिकेट अमाउंट ऑफ ईच सब्सटेंस अवेलेबल फॉर रिएक्शन. और हम इक्वेशन को बैलेंस कर लें तो ये इक्वेशन के आगे जो कोफिशियंट लिखे होते हैं, यहाँ वन है, यहाँ थ्री है और यहाँ टू है. दैट मीन्स वन मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म टू मोल ऑफ अमोनिया. बैलेंस इक्वेशन में वन मोल नाइट्रोजन रिएक्टेड विथ थ्री मोल हाइड्रोजन टू फॉर्म टू मोल अमोनिया. लेकिन वॉट वुड हैपन इफ वी हैव टू मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन? वॉट विल हैपन इफ वी हैव टू मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड थ्री मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन? अगर नाइट्रोजन के टू मॉलिक्यूल्स होते, हाइड्रोजन के तीन मॉलिक्यूल्स होते तो क्या होता? हमें ये पता है कि थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वुड रिएक्ट विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन. सो आउट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स वन मॉलिक्यूल विल बी रिएक्टेड एंड वन मॉलिक्यूल विल लेफ्ट बिहाइंड. वन मॉलिक्यूल विल लेफ्ट बिहाइंड व्हाइल वन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट. सब्सटेंस विच गेट एग्जॉस्टेड इन द रिएक्शन, सब्सटेंस विच गेट यूज्ड अप इन द रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट. Substance which get used up in the reaction is known as limiting reagent, and substance which is left in the reaction, which is in excess, that is known as excess reagent. Substance में दो type के reaction में दो type के substance होते हैं. एक होता है limiting reagent और दूसरा होता है excess reagent. तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा example लिया है. इस example से हम समझेंगे कि कैसे limiting reagent जो है वो reaction को affect कर सकता है. यहाँ पर हमने दो कलर की बॉल्स ली हैं, एक पर्पल है और एक ब्लू है. अगर ब्लू बॉल्स की बात करें या ब्लू एटम्स की बात करें तो ब्लू एटम्स नंबर्स में कितने हैं? अगर हम काउंट करेंगे तो ब्लू एटम्स जो है वो कितने हैं? सिक्स हैं. पर्पल एटम्स कितने हैं? पर्पल एटम्स जो है हमारे पास टोटल 12. इन दोनों के रिएक्शन से हम अगर ये अज्यूम कर लें कि दोनों रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका प्रोडक्ट का नाम रख लेते हैं हम पीबी. तुमने देखा जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन में सिक्स पर्पल एटम्स जो हैं दे रिएक्टेड विद सिक्स ब्लू एटम्स. सिक्स पर्पल एटम रिएक्टेड विद सिक्स ब्लू एटम्स एंड सिक्स एटम्स ऑफ पर्पल कलर आर लेफ्ट. सिक्स एटम्स क्या हुए? पर्पल कलर के बच गए. तो सिक्स एटम अगर बच गए हैं यहाँ पर पर्पल कलर के, इसका मतलब जो बच गए हैं ये क्या है? दीज आर एक्सेस रिएजेंट. ये क्या है? ये एक्सेस रिएजेंट है क्योंकि ये अमाउंट में लेफ्ट ये बच गया है. और जो यूज हो गया है, यूज कौन सा हो गया है? ब्लू कलर के जो एटम्स थे यहाँ पर, ब्लू कलर के एटम क्या हो गए हैं? यूज हो गए हैं. दे आर नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट. तो रिएक्शन किसकी वजह से रुकी? इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन क्यों रुकी? क्योंकि ब्लू एटम्स खत्म हो गए ना. अगर ब्लू एटम्स ज्यादा होते तो प्रोडक्ट ज्यादा बनता. ब्लू एटम्स कम होते तो प्रोडक्ट और कम बनता. मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट अगर कम है तो प्रोडक्ट कम बनेगा. लिमिटिंग रिएजेंट अगर ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा. दैट मीन्स स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में जितने भी कैलकुलेशन किए जाएंगे दे ऑल आर डन विथ लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर ही हम सारे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे. बिना लिमिटिंग एजेंट के स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के आंसर गलत आते. तो हमने जो पार्ट वन में जो क्वेश्चन किए थे उनमें क्यों नहीं किया था? क्योंकि वहां पर हमें सिर्फ एक ही सब्सटेंस का अमाउंट गिवन था. वहां पर जब हमने वाटर का एग्जांपल लिया था तो या तो हाइड्रोजन का अमाउंट गिवन था या ऑक्सीजन का अमाउंट गिवन था. हमें कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिया जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के अमाउंट गिवन हो. मतलब अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा होता कि आपके पास हाइड्रोजन है, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. आपका हाइड्रोजन 2H2 ले लो, 2H2 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो हम क्या लिखेंगे? 2H2 प्लस फॉर्म्स 2H2. अगर हमें गिवन है कि हाइड्रोजन का मास हमारे पास कितना है? 10 ग्राम.
ऑक्सीजन का मास कितना है हमारे पास, सपोज 40 ग्राम, तो वाटर कितना बनना चाहिए, मास ऑफ वाटर कितना आना चाहिए। अगर हमें स्टोइकोमेट्री नहीं पता है, अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम ट्राई करते हैं कि अगर हम कैलकुलेशन हाइड्रोजन पे करते तो आंसर कितना आता, कैलकुलेशन ऑक्सीजन के मास को लेकर करते तो कितना आता, और दोनों में से सही कौन सा है। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हम दोनों कैलकुलेशन जो है यहीं पर कर सकें। इस साइड कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग मास ऑफ हाइड्रोजन, और इस साइड कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग मास ऑफ ऑक्सीजन। तो वी हैव, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम यूनिटरी मेथड लिखते हैं, हम एक एरो लगाते हैं, लेफ्ट में हम लिखते हैं हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट, तो हमने लिखा 2H2 का मास। 2H2 का मास कितना है, 4 ग्राम ऑफ H2। हम पता क्या करना है, H2O का मास, H2O का मास कितना है, 1 मोल H2O इज 18, देयर इज 2 मोल सो इट इज 36 ग्राम ऑफ H2O। ओके, वी हैव 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम कितने बनाएगा, जब हम कहीं से 1 पर आते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसे 36/4, 10 ग्राम से कितना हो गया, 10 ग्राम से हो गया आपका 36/4 इंटू टेन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1990 ग्राम। लेकिन अगर ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करते तो वी हैव 1O2 फॉर्म्स 2H2, एक एरो खींचा, 1O2 का मास 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑफ O2 फॉर्म्स 2H2, 2H2 का मास हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, इट इज 36 ग्राम। 1 ग्राम से कितना बना, 1 ग्राम ऑफ O2 फॉर्म 36/32 ग्राम ऑफ H2O, तो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 40 ग्राम, 40 ग्राम ऑफ O2 विल फॉर्म 36/32 × 40, 8 4 = 32, 8 5 = 40, 4 1 = 4, 4 9 = 36, 9 5 = 40 ग्राम। दोनों में करेक्ट कौन है, क्या 90 ग्राम वाटर बन सकता है, अगर हमने रिएक्टेंट ही टोटल 50 ग्राम लिए हैं, अगर बस रिएक्टेंट ही 50 ग्राम है तो प्रोडक्ट 90 ग्राम कैसे बन सकता है, ये तो डायरेक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन है। मास क्रिएट नहीं हो सकता अगर रिएक्टेंट का मास मैक्सिमम 50 ग्राम है, तो प्रोडक्ट का मास मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 50 ग्राम हो सकता है। इसका मतलब ये जो आपका कैलकुलेशन है ये गलत है, कैलकुलेशन आपका ऑक्सीजन पर सही आ रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कैलकुलेशन ऑक्सीजन पे करना है या हाइड्रोजन पे करना है, तब ये पता चला रिएक्शन देखकर कि यहां पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन लिमिटिंग एजेंट है, ऑक्सीजन क्या है, रिएक्शन में यूज अप हो जाता है, पर 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वाटर कितना बन रहा है, 90 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 80 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा, पर 80 ग्राम तो है ही नहीं ना, हमारे पास कितना है, 40 ग्राम, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग एजेंट हो गया। मतलब जो भी कैलकुलेशन करना है हमें किस पे करना है, कैलकुलेशन इज नीड टू बी डन ऑन लिमिटिंग एजेंट। तो क्वेश्चन अब अराइज होता है यहाँ पर कि हम लिमिटिंग एजेंट कैलकुलेट कैसे करें, तो हम रिएक्शन को एक बार फिर से लिखते हैं, 2H2+O2 फॉर्म्स 2H2O, दिस इज गिवन एज 10 ग्राम, दिस इज गिवन टू बी 40 ग्राम। हमें क्या करना है, हमें जैसे हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं सेम करना है, बट ध्यान रहे हम इसे गिवन मास से, गिवन मास को हम मोलर मास से डिवाइड नहीं करेंगे, गिवन मास को हम डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट में एलिमेंट्स के मास से। 2H2 का मास कितना होता है, 2H2 का मास कितना होगा, 4, और O2 का मास कितना है, 32। जब इसे डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये वैल्यू आएगी आपके पास 5/2, और ये वैल्यू आएगी आपके पास 8 से डिवाइड कर दो, इट इज 5/4। कौन सी वैल्यू ज्यादा है, न्यूमरेटर सेम है, जिस वैल्यू का डिनोमिनेटर कम होगा उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, ये ज्यादा है तो हाइड्रोजन इज एक्सिस एंड ऑक्सीजन इज लिमिटिंग एजेंट। तो हमने जब कैलकुलेशन ऑक्सीजन पर किया तो आंसर सही आया, जब हमने हाइड्रोजन पर किया तो आंसर गलत आया। ध्यान रखिएगा स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में सारे आंसर या सारे कैलकुलेशन जो है हम किस पर करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पर, और लिमिटिंग रिएजेंट कब अप्लाई करना होता है, जब रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट गिवन हो, दैट अमाउंट कैन बी मास, दैट कैन बी वॉल्यूम, और दैट कैन बी नंबर ऑफ
मोल्स। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन इज मैग्नीशियम रिएक्ट विथ सल्फर टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फाइड। मास ऑफ मैग्नीशियम इज 2 ग्राम, मास ऑफ सल्फर इज 2 ग्राम एंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड फॉर्म। हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें रिएक्टेंट में सब्सटेंस का अमाउंट गिवन है, और जब ऐसा केस आता है तो हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम गिवन मास को किससे डिवाइड करेंगे, मैग्नीशियम के मास से। 1 मैग्नीशियम है तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, 24। इसे हम डिवाइड करेंगे, 1 सल्फर है तो इसका मास कितना आ गया, 32। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 1/12 एंड दिस इज 1/16। तो कौन सी वैल्यू कम होगी, कम कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, ज्यादा होगा। डिनोमिनेटर क्या डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। अब चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं, तो ये वैल्यू बड़ी आ गई, ये एक्सिस है और ये लिमिटिंग एजेंट है। तो कैलकुलेशन किस पे करेंगे, सल्फर पर। जैसे ही आपको लिमिटिंग एजेंट पता चल जाएगा, लिमिटिंग एजेंट का पता चलते ही ये पूरा जो आपने पार्ट किया था इसका कोई यूज नहीं। ये हमने क्यों किया, ये पता करने के लिए कि लिमिटिंग कौन। अब लिमिटिंग पता चल गया, लिमिटिंग कौन है यहाँ पर, लिमिटिंग सल्फर है। अब स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करने हैं, सिंपल, मैग्नीशियम के मास को निग्लेक्ट कर दो, सारे कैलकुलेशन किस पे करेंगे, सल्फर पर करेंगे। तो हमें यहां से क्या मिला, 1 सल्फर फॉर्म्स 1 MgS। तो हमें गिवन है मास, कैलकुलेट करना है मास, तो हम यहाँ पर एक लाइन खींची, एक लाइन ड्रॉ की, लेफ्ट में हम क्या लिखेंगे, गिवन मास। मास किसका गिवन है, सल्फर का। 1 सल्फर है तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर फॉर्म्स 1 MgS ना, तो MgS का मास कितना है, 56 ग्राम ऑफ MgS। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लाइन में हम ये वाला मास नहीं यूज करते, फर्स्ट लाइन जो हम लिखते हैं उसमें रिएक्टेंट का बैलेंस इक्वेशन से मास लेकर आते हैं। 1 ग्राम सल्फर से कितना बनेगा, 1 ग्राम ऑफ सल्फर विल फॉर्म 56/32। 8 की टेबल से डिवाइड कर दो इसको, 7/4। 2 ग्राम से कितना बना, 2 ग्राम सल्फर से बना 7/4 × 2, 2 1, 7/2 इज 3.5 ग्राम। मैग्नीशियम सल्फाइड कितना बन रहा है यहाँ पर, मैग्नीशियम सल्फाइड बन रहा है 3.5 ग्राम। एक तो ऑप्शन पूछेगा कि कितना बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो होता है एक्सिस रिएजेंट कितना बच गया। एक तो हमसे पूछा गया प्रोडक्ट कितना बना, एक हमसे पूछा जाएगा कि एक्सिस रिएजेंट कितना बच गया। तो मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आया, प्रोडक्ट का मास आया कितना, 3.5 ग्राम। रिएक्टेंट का मास भी कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितना यूज हुआ, 3.5 ग्राम। नाउ वी नो दैट सल्फर कंप्लीटली यूज्ड, रिएक्शन में सल्फर क्या हुआ, रिएक्शन में सल्फर कंप्लीटली यूज हो गया, मतलब सल्फर तो बचा नहीं। अगर सल्फर कंप्लीटली यूज हो गया है तो मैग्नीशियम कितना यूज हुआ होगा, 2 ग्राम सल्फर था, सपोज एक्स ग्राम मैग्नीशियम यूज हो गया, टोटल यूज अमाउंट कितना है, 3.5। एक्स कितना आया यहाँ से, एक्स आया 1.5 ग्राम। तो 1.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज यूज, लेफ्ट कितना बचा, Mg लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन इक्वल्स 2.5 ग्राम। ओके, तो हमसे 2 टाइप क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछेगा क्या बताइए कि प्रोडक्ट का मास कितना फॉर्म हो रहा है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा क्या बताइए कि जो रिएक्टेंट, जो एक्सेस रिएजेंट, जो आपका एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बच गया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर अमोनिया के कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन इज 50 kg, हाइड्रोजन इज 10 kg, वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एन की वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू एक तरह से मोल्स कैलकुलेशन जैसी ही है, बट देयर इज अ डिफरेंस, हम यहाँ पर डिवाइड जो है मोलर मास से नहीं करेंगे, हम यहाँ डिवाइड करते हैं इक्वेशन में रिएक्टेंट का कितना मास यूज हुआ। तो इट इज 50 kg। अब ये जो मास है हम यहाँ ग्राम में लिखेंगे, तो हमने के जी को भी किसमें कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में, डिवाइडेड बाय इट्स मास। मास ऑफ 1 एंड 2 इज, मास ऑफ 1 एंड 2 इज 28, सो इट इज 1.78 × 10³। जब इसे डिवाइड किया तो कितना आया, इट इज 10 kg, ग्राम में कन्वर्ट किया 10,000,
डिवाइडेड बाय 3H2। 3H2 का मास कितना होगा? मास ऑफ H2 इज 2 ग्राम, दैट्स 3H2, सो इट इज 6। दिस वैल्यू इज 1.666 × 10³। इसमें से कम कौन सी वैल्यू है? इसमें से कौन सी वैल्यू कम है? ये वैल्यू कम है तो ये आपका लिमिटिंग एजेंट हो गया और ये हो गया आपका एक्सेस एजेंट। तो कैलकुलेशन किस पर करेंगे हम? ऑल द कैलकुलेशंस आर डन ऑन लिमिटिंग एजेंट। हम सारे कैलकुलेशन जो है वो इस पर करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे भूल जाना है और स्टोइकोमेट्री यूज करना है। स्टोइकोमेट्री में हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम लेफ्ट में लिखते हैं हमें गिवन क्या है और राइट में लिखते हैं हमसे पूछा क्या है। गिवन क्या है हमें, हमें क्वेश्चन में गिवन है 3H2 का मास। मास ऑफ 3H2 कितना हो गया? 6 ग्राम। याद रखिएगा हम फर्स्ट लाइन में आपका जो गिवन मास है वो नहीं यूज करते, हम फर्स्ट लाइन में जो रिएक्टेंट में अमाउंट है वो यूज करते। रिएक्टेंट में कितना अमाउंट था हमारे पास? 3H2 का मास कितना हो गया? 6 ग्राम। 6 ग्राम ऑफ H2 लेड टू फॉर्मेशन ऑफ 2NH3। हमें इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? मोल्स। इट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। याद रखिएगा हम आपका राइट साइड में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का अमाउंट। हम चार मास पूछा होता तो हम 2NH3 का मास रखते, वॉल्यूम पूछा होता तो 2NH3 का वॉल्यूम रखते, हमसे मोल्स पूछे हैं तो हमने मोल्स पुट कर दिए। 1 ग्राम से कितना फॉर्म हुआ? 1 ग्राम ऑफ H2 विल फॉर्म 2/6 मोल ऑफ NH3। एंड हाउ मच ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट? इट इज 10 kg और 10,000 ग्राम। 10,000 ग्राम से कितना फॉर्म हुआ? 2/6 × 10,000 × 3 × 10,000/3 = 3333.33। जब तक डिवाइड करते रहेंगे 3 आता रहेगा, इतने मोल्स फॉर्म हुए, इसी को हम लिख सकते हैं 3.33 × 10³ मोल्स। तो दिस इज लिमिटिंग एजेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।